빨래 돌리면 살이 잘 쎄스. अभी मेरे को गाय से आदत दिख भी नहीं हुआ, पूरे घर में आए हुए अच्छे से सेटल होने में. एंड मेरी माई यंगर सिस्टर हैज ऑलरेडी रेड ऑल ऑफ माई चैट्स इन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, व्हाट इज गोइंग ऑन इन हर लाइफ. आई मीन दिस इज समथिंग आई हैव नोटिस्ड. छोटे बच्चे को बड़े बच्चे का सब कुछ पता होता है. ऐसे मैंने एक रील में भी देखा था, लाइक वट एवर इज गोइंग ऑन इन बड़े बच्चे की लाइफ में छोटे बच्चे को विल नो, बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. आई नो नथिंग अंटिल अनलेस शी टेल्स मी वट इज गोइंग ऑन इन हर लाइफ. तो ऐसा होता है. हाँ, अभी मैं बताऊँ एक मेन सीन क्या हुआ. अभी आई एम मेकिंग यू नो रोटी डिनर. तो लास्ट वाली जो रोटी थी, अभी जो मैंने स्टॉप करा बीच में, वो फूल गई. पापा को खाने के लिए बुलाया था, वो फूली. और फिर ये हमारा कैसरोल है, तो वो फूली हुई मैंने दिखाई, यहाँ पे फूल रही हुई है. ठीक है, पापा ने कहा वाव. और फिर जब उन्होंने सेकंड अपनी रोटी के लिए खोला, तो वहाँ से निकली थोड़ी समथिंग लाइक दिस काली काली सी रोटी. फिर इस सिचुएशन पे गाना आया, सही याद आ गया. दिल के अरमासुओं में बह गए. तो फनी क्या बोला अपने, तो खैर तारीफ करी जो फूली अच्छी रोटी बनी है. हेलो पापा, वेल पापा. पर गाना भी पापा नहीं सजेस्ट किया. सो या मैन, ये दोस दीज हैंड्स कैन होल्ड बॉटल्स एंड कैन मेक रोटी. सो स्टील डील गाइस, स्टील डील. Let's make roti, the classic move, and then throw. Dil ke armaasuon mein beh gaye. This is like our other kitchen, not very aesthetic, honestly. But काम चलाओ, because घर में भी काम चल रहा है, guys. अभी भी पूरा नहीं हुआ, मतलब actually लंबा खिंच गया. We had to do kitchen, फिर बाहर वाला फर्श for a long period of time. But then we added bathroom भी, drawing room भी, kitchen का tile का system, slab to sink also. So like it extended. Now it will be like wooden का, you know, those pantry and set, like modular kitchen sort of thing. So yeah. So we have shifted here. Otherwise, if you have seen, there is one video in my YouTube channel. It is feather wale gaane pe I am dancing and making roti. So yeah, it's very easy, guys, to make roti. I mean, aap ladke ho ya ladki ho, aapko aana chahiye. I would suggest 18 saal ki umar ke baad aapko apna khana banana aa hi jana chahiye. Like दाल चावल मेरे को आ गया था अच्छे से बनाना 7th क्लास में या 10th क्लास में, नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, पर आ गया था अच्छा वाला खाना बनाना आ गया था. और 10th क्लास में आया था अच्छे से, यस आई रिकॉल करेक्टली. अगेन मेरी रोटी फूल गई है दोस्तों. फुल्का काली ना हो जाए, इसको फटाफट पलट देते हैं. And what my dadi, my late grandmother has told me to, like तुम्हारी तीन रोटी साथ में चलती रहनी चाहिए. ओह लोड पड़ गया. तो आप तो घर में खा रहे हो क्या? बता. ओह दिक्कत. वहाँ हॉस्पिटल नहीं है तुम्हारे स्कूल में? है. तेरा अब दूर है वहाँ है? हाँ, छोटी से मार्केट के पास में है और वो बड़ी मार्केट के उधर है. जा तो फिर भी सकते हैं. मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई है थोड़ी. क्या ऊपर है छत में? हाँ तो मैं, हाँ ले आ तेरी मर्जी. हाँ सो व्हाट आई वाज सेइंग कि तीन रोटी कैसे, एक तवे पे बन रही है. ठीक है, अभी गैस पे आएगी. इतने में ये जो आपकी गोल है, ये आपका बिल जाने बेल बेल दूंगा. इसका मतलब लाइक मेक अ
सर्कुलर बड़ा वाला कैसे समझाऊं? ये रिकॉर्ड करना इज वेरी डिफिकल्ट मैन। आप ये सर्कुलर डिस्क बन जानी चाहिए, साइंस लगा दो इसमें साइंस। रोटेशनल वाला तो भाई सबसे गंदा सब्जेक्ट, अगर मुझे फिजिक्स में लगाया तो रोटेशनल बॉडीज ही लगाए। 12th क्लास से डर लग गया था, 11th में था पता नहीं, आई थिंक 11th में था, हाँ शायद नहीं 12th में था। लेमिनर पता नहीं क्या था भाई, कितनी बार समझा, समझ नहीं आया। ओके या मैन, सो आई विल एक्सप्लेन यू गाइज नाउ। तीन रोटियां बात कैसे चल रही है? चार अगर आपके चल रहे हैं तो वेरी गुड, यू आर एक्सपर्ट नाउ। बिकॉज मैं बहुत टाइम से नहीं बनाई हूँ खाना, लाइक आज मैं बहुत समय बाद बनाई हूँ, लिटरली बहुत समय बाद। आई स्टे इन पीजी, तो मतलब ये देखो ये अभी तवे पे थी, तवा साइड में रख दिया, ये गैस पे आ गया, ठीक है ना। जो ये बेलन पे थी, सॉरी किसमें, चकले पे थी ना ये हमारे, अभी मैं सिंगल हैंड पे हूँ, ठीक है। ये अपन यहाँ रख दिए, ये मेरा जो गोला अभी है चकले पे आ गया, एक बार टर्न हो गया, तो ऐसे समझ रहे हो आप लोग, समझ गया आया समझ। सो लाइक दैट फोर अभी इसको भी बेल लो, मतलब साइड बाय साइड स्पीड में, अभी सबके लिए बनाना है बहुत जल्दी है, मतलब जल्दी में ही बनाओ यार, अच्छे से प्रैक्टिस से आता है ये, मेरे को भी टाइम है मतलब नॉट इन टच, तो इसलिए पता नहीं मैं ये सब यूट्यूब पे डालूंगी या नहीं, शायद डाल भी दूंगी। I had taken sick leave today, so it was good day. क्या होता है ना, इतने में ये वन साइड इसका हो जाता है, जितने में वो फूल भी होती है इसका वन साइड हो जाता है, तो सही रहता है। Maybe I'll add in my vlog. जब तक उसका सेकंड साइड होता है तब तक चकले वाला जो है ये बेल लो आप रोटी को, ठीक है, गोली को इन अ सर्कुलर मैनर, मतलब सर्कल में बनना चाहिए। हाँ अपना कैमरा सेटअप अगर जिस दिन मैंने सॉर्ट आउट कर लिया ना दोस्तों, इट्स ओवर फॉर अदर यूट्यूबर्स, आई एम जस्ट किडिंग। चीनी क्यों खा रहा? खाने के बाद खाता हूँ थोड़ी। गुड़ खाना चाहिए चीनी के बदले। मिठाई खा लो, मिठाई आ रखी है। अलग ही हैबिट आ गई है, शुगर का इंटेक अगर बॉडी मांग रही है तो क्या जरूरत होगी कुछ। भाई रोटी का ये जो स्टीम होता है इट्स वेरी डेंजरस, मैंने यहाँ पे लगा था 7th क्लास में को रोटी आता था। रोटी बनाना मैं सीख रही थी 7th क्लास में, एंड देन व्हाट हैपेंड, देयर वाज सच इंसिडेंट कि स्टीम से मेरा हाथ जल गया था थोड़ा सा, यहाँ पे हल्का सा, हल्का सा नहीं ज़्यादा ही चला था। मेरे साइंस के टीचर थे नवीन सर नाम था उनका, वो काफ़ी अच्छे टीचर थे, 98 समथिंग मार्क्स आते थे मेरे आउट ऑफ 100, सो यस। हाँ तो नवीन सर ने पूछा था, एक वही सर थे कि बेटा ये क्या हुआ, सो नाइस। तो बिकॉज बर्न वाले जो आपके घाव होते हैं उसको आप बैंडेड नहीं लगाते है ना, तो खुला ही था तो उन्होंने देखा एंड पूछा, तो अच्छा लगा था काफी नाइस, मेमोरी फ्लैशबैक। हाँ तो स्टीम से बी बेट लाइक केयरफुल लिटिल गर्लीज, हूएवर इज वॉचिंग इट। इतना रोटी बहुत है,
है और मेरे को ही बहाना है। ओ मेरे को मेरे अपने डॉग के लिए बनाना है, बनाऊंगी। 10 मिनट्स, बाय।